नमस्ते दोस्तों, दिव्या स्मार्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं परोला में श्री बालाजी का मंदिर देखने। बालाजी मंदिर का इतिहास ऐसा है, विभिन्न धार्मिक भक्तों की समर्पित सेवाओं और उनके आशीर्वाद के कारण परोला अब लोकप्रिय रूप से भक्ति नगरी के रूप में जाना जाता है। 345 साल पहले श्री बालाजी भगवान सर्वशक्तिमान पहली बार यहाँ पहुँचे थे। श्री गिरिधर शेठ शिंपी श्री के एक महान भक्त 15 वर्ष की आयु से लेकर 85 साल वर्ष की आयु तक यात्रा करते थे और महान सर्वशक्तिमान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल तिरुपति जाते थे। अंत में 85 साल की आयु में उन्होंने श्री को अश्रुपूरित विदाई दी और कहा कि अब उम्र उन पर हावी हो गई है, अब उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे। अपने महान आश्चर्य की ओर वापस जाते समय श्री उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि वो उनके साथ जा रहे हैं। अभिभूत गिरिधर शेठ अपनी प्रार्थना करते हुए और पूरे रास्ते भगवान की स्तुति गाते हुए परोला लौट आए। स्वस्थ होने के कारण उन्होंने तिरुपति की तरह अब धार्मिक अनुष्ठान और भगवान को प्रसाद चढ़ाना शुरू किया। तत्कालीन जमींदार श्री नेवाड़कर ने देवता का एक विशाल मंदिर बनाने की पेशकश की। भगवान एक बार फिर उनके सपनों में सामने प्रकट हुए और भक्तों के बीच रहने और उन्हें परेशान न करने की अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पवित्र मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है। परिसर में एक विशाल पत्थर का प्रवेश द्वार है जिसके शीर्ष पर एक नगर खाना मतलब ढोल बजाने वालों के बैठने और प्रदर्शन करने का स्थान है और मंदिर के सामने गरुड़ ध्वज है। मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1925 में श्री गंगाराम छबीलदास गुजराती द्वारा किया गया था। एक चौथाई पीठ लंबी सुखद शीतल और शांत श्री बालाजी की एक बहुत ही आकर्षक मूर्ति एक सिंहासन के ऊपर रखी गई है। नवरात्रों के त्योहारों के दौरान मूर्ति को एक रथ में ले जाया जाता है जिसके साथ परोला की अलग अलग गलियों में प्रतिदिन लकड़ी से उकेरी गई भगवान की विभिन्न मूर्तियां होती है। इससे नगरवासियों को भगवान के यहाँ आने की तृप्ति मिलती है। वार्षिक जुलूस के बाद जब मूर्ति को उसके मूल स्थान पर स्थानांतरित करने का समय आता है तो मूर्ति को स्थानांतरित करना भारी और भारी हो जाता है। जैसे कि श्री श्री संकेत दे रहे हो कि वो अपने भक्तों को छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन बार बार आरती करने के बाद मूर्ति हल्की होने लगती है। ये चमत्कार हर साल भक्तों द्वारा देखा जाता है। और आपको दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।